नमस्कार दर्शकों, जीके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूँ विनोद कुमार। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि फिफ्थ पे कमीशन के बाद वेतन विसंगतियों का सबसे ज्यादा किसी को सामना करना पड़ा तो वो रियासत जम्मू कश्मीर का क्लेरिकल कैडर है। और आप अंदाजा लगाइए, इतने लंबे समय से ये कैडर लगातार संघर्ष करता आ रहा है और बावजूद इसके सरकार इसकी सुनवाई नहीं कर रही है। कई मरतबा लखनपुर से लद्दाख तक कामकाज भी बंद रखा गया, लेकिन असर कोई नहीं। दूसरी बड़ी बात है कि जो बाकी संगठनों द्वारा सपोर्ट मिलनी चाहिए, मुझे लगता है सेक्रेटरीज वगैरह जो इम्प्लाइज है वो भी शायद इनकी सपोर्ट नहीं कर रहे जिस तरीके से। जो सरकार पर दबाव बनना चाहिए था वो मुझे लगता है कि नहीं बन पा रहा है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि क्या इनकी दिक्कत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अपना पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम जिलानी नायक है, मैं जनरल सेक्रेटरी क्लर्कल एसोसिएशन हूँ जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये पे एनोमलीज क्यों है, इसने फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या है, और दूसरी बड़ी बात है कि सरकार आपको सुनवाई क्यों नहीं कर रही है। सर, जहां तक ये पे एनोमली ये का ताल्लुक है या क्लर्कल डिस्पैरिटी, क्लर्कल पे एनोमली या क्लर्कल डिस्पैरिटी, इसका आगाज अगर हम देखें 1942 से लेकर 1942 से, याद रखिए सर, 1942 से लेकर 1992 तक जो तमाम कैडर जो हमारे आइडेंटिकल कैडर थे, चाहे पटवारी है, टीचर है, VLW है, बाकी जो कैडर है, वो एक ही स्केल में यानी आइडेंटिकल स्केल में काम कर रहे थे। लेकिन 1992 में जो SRO 75 निकला उसके तहत एक प्रावधान वहां पे रखा गया स्पेशल ट्रीटमेंट, और उस स्पेशल ट्रीटमेंट के तहत इन कैटेगरीज को अपग्रेड किया गया बिना किसी स्पेशलाइजेशन के। यहां से जो अदम मसावा डिस्पेरिटी खड़ा हुई, लेकिन इसको यहां नहीं रोका गया, बल्कि उसको जो फिफ्थ पे कमीशन 1996 में हुआ SRO 18 के जरिए वहां इस प्रावधान को दोबारा चालू किया गया, बाजाब्ता तौर इन्हीं कैटेगरियों को दोबारा अपग्रेड किया गया इनकी जो पे स्केल्स, और 2000-2007 तक इन पे जो कैटेगरीज है इनकी जो पे स्केल्स है उनको कन्फर्म किया गया सर। और 2005 में SRO 201 के तहत जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे क्लर्क कैडर है, मिनिस्ट्रियल कैडर है, उनकी जो है पे स्केल अपग्रेड की गई। तो उसके बाद सर 2005 में ही जो हमारे टीचर साहिबान है उनकी जो पे स्केल है उनको डिवाइड किया गया, जो ग्रेजुएट है उसको 4500, प्रीग्रेजुएट 7000, और जो अंडर ग्रेजुएट है उसको सर 350 से बढ़ाकर 4000-6000 पे स्केल में लाया गया। और 2007 में हम जागे सर हमारा कैडर, तो हम सड़कों पर आए, तो 2007 में एक कमेटी तशकील दी गई, पे एनोमली कमेटी, ऑर्डर नंबर उसका था 1403/2007। उन्होंने 19/6/2008 को अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दी, जिसके सरबरा आज के जो चीफ सेक्रेटरी है वीबी व्यास साहब, उस वक्त के कमिश्नर सेक्रेटरी फाइनेंस थे। तो उन्होंने जो पैरा 26 पे अपनी रिकमेंडेशन दर्ज किए जो गवर्नमेंट को भेजे, उन्होंने इस चीज को माना कि हाँ क्लर्कल कैडर के साथ अदम मसावात है, डिस्पैरिटी है, पे एनोमली है, उसको रिमूव किया जाए, और इसका इफेक्ट दिया 1/1/1996 नोशनली, और मॉनिटरली जो इफेक्ट दिया है सर वो दिया है 1/1/2006 से, यानी 6 पे कमीशन के साथ उसको इंप्लीमेंट करना था। लेकिन बदकिस्मती से वहां पर एक प्रावधान उन्होंने रखा था कि जो ग्रेजुएट लोग हैं उनको एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट हम जो है उनको 4000-6000 स्केल में अपग्रेड करो प्री रिवाइज्ड, और जो अंडर ग्रेजुएट है उनको 5 साल के बाद इस स्केल में लाया जाए। शायद हमारे कैडर में जो लीडर साहिबान है उनके ड्यू टू लैक ऑफ परसेप्शन उस चीज को नहीं समझ सके, तो उस वक्त ये होते होते रह गया सर। उसके बाद और एक कमेटी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ कितनी है और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कितनी है, क्यों नहीं मान रही सरकार, सवाल ये उठता है। सवाल यही है सर, जो उसके बाद जो एक कमेटी बिठाई गई, मैं उसी पर आता हूँ सर, जो 2012 में एक कमेटी और बिठाई गई जो हमारी स्ट्रगल जो दोबारा हमने स्ट्रगल की, उसके बाद एक कमेटी ऑर्डर नंबर 7/8 उसके तहत बिठाई गई, और उसके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस वक्त फाइनेंस के थे वो थे जो हमारे मोहम्मद इकबाल खांडिया साहब, और उस कमेटी ने माना कि देयर इज स्ट्रॉन्ग केस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ पे स्केल्स इन फेवर ऑफ क्लर्कल कैडर, और यही कि इसको जल्द अज जल्द दूर किया जाए। लेकिन उस कमेटी ने 2 कैडरों को और रिकमेंडेशन दी, क्लर्कों ये पटवारियों के हक में और पुलिस के हक में सर, और 2013 में उन रिकमेंडेशन को पार्शियली इंप्लीमेंट करके SRO 302 निकालकर जो पटवारी साहिबान की जो बे एनोमली दोबारा दूर करेगी, और ऑर्डर नंबर गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 239 के तहत 2014 में पुलिस हेड कांस्टेबल और ASI के दरमियान जो है तफावत दूर की गई। और हमें ये कहा गया कि इसमें 453 करोड़ सर, 453 करोड़ फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, और जो आपकी स्ट्रेंथ है सर वो 1.5 लाख है सर। लेकिन हम जब उसके बाद हमने अप्रोच किया गवर्नमेंट को, हमने बोला ये बिल्कुल गलत है। क्या
क्या आपको लगता है कि जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कैलकुलेट सरकार ने किया वो गलत किया? बिल्कुल सर, गलत है और हमने वो साबित किया है गवर्नमेंट के सामने, कमेटी के सामने। हमने बोला था कि ये 20 से 25 करोड़ तक है और जब फाइनेंस के डिपार्टमेंट को एक डायरेक्शन मिली कि आप इस पे काम करो, जब 15-12 की जो मीटिंग उन्होंने की एम्पावर्ड कमेटी ने, उसमें तो साफ आया कि जो क्लर्क हमने यहाँ मोमेंट में लिखा था कि 20 से 25 करोड़, वहां एक्चुअल आया 24.79 करोड़, यानी 25 करोड़। जो हमने सेंक्शन स्ट्रेंग थी अपनी कैडर की थी, जहां ये 1.5 लाख बोलते थे, हमने बोला सर ये 18 से 20 हजार होंगे, तो वहां 20,301 आदमी आया सर। जी सर, तो कहीं ना कहीं सरकार मिसलीड कर रही है और ये लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लगातार जानते हैं। कई मरतबा हमने अपने स्टूडियो में भी कार्यक्रमों को किया है, इनकी जो प्रोटेस्ट होते हैं वो कवर किए हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि लखनपुर से लद्दाख तक भी इन्होंने बंद करवाया है। क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकता है कि सरकार जो है आपके बारे में नहीं सोच रही है? दूसरी बात, प्रमोशन की एवेन्यू भी आपके कम है डीपीसी सर। डीपीसी बहुत कम हो रही है। सबसे पहले मैं आप गुलिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इसके साथ जो डीपीसीज हमारी हुआ करती हैं, तमाम स्टेट जानता है कि हर साल 2 बार डीपीसी हुआ करती है हर डिपार्टमेंट में। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि हमारे यहाँ 2013 से काफी सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे कोई डीपीसी नहीं हुई है। तो इस सिलसिले में हमने बारह गुजारिश की डिपार्टमेंट में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से वगैरह भी, लेकिन बदकिस्मती से वो इस सिलसिले में कोई पहल अच्छी तरह दिखाते नहीं है। जिस तरह के हमारे यहाँ और मुसीबत ये है कि डिपार्टमेंट में जब कभी कभार प्रमोशन हुआ करती है डीपीसी थ्रू, वो भी इंचार्ज कैपेसिटी में हुआ करती है, लेकिन उनका ये रखा हुआ है कि 4-4, 5-5, 8-8 साल से लोग इसी तरह है इंचार्ज कैपेसिटी में और उनका कोई कन्फर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो आगे जा नहीं सकते हैं। इस सिलसिले में हमें ये लग रहा है कि, और लग ही नहीं रहा, बल्कि आपकी वजह से हम गवर्नमेंट को इतना गुजारिश करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके इस पर आप अमल कीजिए और खासकर जो आपके ऑर्डर्स निकल आते हैं सेक्रेटरी से, उनको मेन अन अमलाया जाए। हमें लगता है कि वो पार्शली अमलाए जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग खासकर क्लरिकल कैडर जो है हर डिपार्टमेंट में दबा हुआ रखा है, इसका कोई काम होता नहीं है। कहीं कहीं ये भी देखने को आता है कि आपका जो काम है डिपार्टमेंट के दूसरे लोग करते हैं। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर आपका काम कर रहे हैं और आपको साइडलाइन किया हुआ है। हाँ सर, एक्चुअली ये मामला है कि हमारे डिपार्टमेंट में, मैं आपको बताऊं कि आज से 20 साल 30 साल पहले जो हमारे ऑफिसों में, सब ऑफिसों में जो भी क्रिएशन हो चुकी है, तो 20-25 साल से लेकर आज तक काफी अपॉइंटमेंट हुई है, काफी स्ट्रंग स्टाफ की बढ़ गई है, लेकिन जो क्लर्कल स्टाफ है उनका वही उतना ही सेंक्शन स्ट्रंग है जो आज से 20 साल था। उस सिलसिले में भी हमने गवर्नमेंट में कई बार रिक्वेस्ट की कि आप क्रिएशन कीजिए, सो दैट कि आपको अटैचमेंट की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी टीचर को अटैच नहीं करना पड़ेगा, तो आपका पूरा स्टाफ बन जाएगा, स्टाफ पोजीशन वेल हो जाएगी। क्या वजह है कि सरकार नहीं सुन रही है? सर नहीं, अभी तक नहीं। दर्शकों, आपने देखा कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग होती है, डीपीसी होती है, जिससे इनको प्रमोशन मिलती है, वो प्रमोशन इनको टाइमली नहीं मिल पा रही है, और साथ साथ जो इनको, जो इनकी जरूरत है, उन जरूरतों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। पहले मैंने जिक्र किया, अब भी जिक्र करूंगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में इनका काम जो है टीचर्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका रोष वाजिब और जायज है, लेकिन बड़े लंबे समय से ये स्ट्रगल कर रहे हैं। कितनी देर से आप इसको लेकर के हड़तालें कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं? हम बहुत पहले से इसके पीछे लगे हुए हैं कि जिसका जो काम है, गवर्नमेंट ने जिसके लिए जिसको अपॉइंट किए हैं उसका पर्टिकुलरली वही काम दिया जाना चाहिए। जैसे हम क्लर्क साहबान है, हमें खाली ऑफिस में बैठ के ऑफिस का काम चलाना है, ना कि कोई और दूसरा काम हम करेंगे। हम फील्ड में जाएंगे, स्कूल में टीचर का जॉब लेंगे, वो हमारे सूट नहीं करता है। तो ये हमारे डिपार्टमेंट ही खाली नहीं है, बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स में उनमें भी यही बात है। जो फील्ड स्टाफ है उनको दफ्तरों में लगाया जा रहा है, जैसे पटवारी साहबान को ऑफिस में लगाए रहे हैं, बाकी हेल्पर उसको ऑफिस में लगा रहे हैं, जो वहां पे क्लर्क साहबान है उनको काम करने नहीं देते हैं। इसकी वजह से कि हमारी स्ट्रेंथ जो है, जो हम ढूंढ रहे हैं कि कैडर प्रोडक्शन हमारी हो जाए, वो इसी वजह से नहीं हो रही, क्योंकि
गवर्नमेंट को हमारी जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि उनका काम तो निकल रहा है जो फील्ड स्टाफ है, जो भी फील्ड वर्कर है उसको फील्ड में काम करना है, वो वहाँ काम नहीं करते, वो ऑफिस में काम करते, तो हमारा जो कैडर है वो बर्बाद हो रहा है। और ये हम गुजारिश कर रहे हैं आपकी वसाकत से कि हमारी जो मसले हैं उनको पीआरटी पे सुना जाए। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हसीब द्राबू ने आपको अश्योरेंस दिया था कि जो डिस्पैरिटीज हैं पे एनोमलीज हैं उनको दूर किया जाएगा, लेकिन किया कुछ नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। जैसे आज ही एक ऑर्डर और निकाला है एक फायर सर्विस डिपार्टमेंट को, उनके उनके फेवर में जो डिस्पैरिटी उनको ऑर्डर इशू हुआ है, लेकिन हमारे से खाली झूठे वादे हो रहे हैं, आज तक तो नहीं हुआ। हम तो यही करेंगे आज तक नहीं हुआ, जो हम 96 से लड़ रहे हैं इस बारे में कि हमारी पे एनोमली है इसको दूर किया जाए, हम तो वही लग रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आज भी एक ऑर्डर निकला आज की डेट की फायर सर्विस डिपार्टमेंट को, हमें तो फिर भी वहीं छोड़ दिया है। तो दोस्तों आपने देखा 96 से लगातार ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, यानी पे एनोमलीज को दूर किया जाए, लेकिन अपॉर्चुनेट है कहीं ना कहीं दिक्कत सरकार को है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन एज पर इनके जो है वो कम है, लेकिन सरकार कुछ ज्यादा ही बता रही है। अगर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ज्यादा बता रही है तो मंशा साफ है सरकार की, इनके साथ शायद वो सरकार जस्टिस करना नहीं चाहती। मैंने पहले भी जिक्र किया, दोबारा कह रहा हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हसीब द्राबू ने भी एश्योरेंस दिया था कि जो डिस्पैरिटीज हैं उनको दूर किया जाए। मामला ट्रेनिंग का आता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी ट्रेनिंग होती थी सेक्रेट में, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं आपके साथ डिस्पैरिटीज हुई है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि वक्तन फवक्तन आपके जर्नल के माध्यम से जो क्लरिकल को कहीं ना कहीं इंसाफ का जो दरवाजा लगता है कि खुलने वाला है वो आपकी वसात से होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी वसात से ये आवाज जो है सरकार तक पहुंचेगी और सरकार जो है इसको नजरसानी इस पे करेगी। जहाँ आपने सवाल किया कि अभी तक आप जो है कहीं बार बार आपने पूछा कि इस कैडर के साथ ना इंसाफी क्यों हुई है, इंसाफ अभी तक क्यों नहीं हुआ, इसकी जो क्लरिकल डिस्पैरिटी है वो अभी तक दूर क्यों नहीं हो रही है, या इसमें जो है इतिहाद की बात हो या कोई भी चीज हो, सरकार जो है किसी न किसी हरबे को इस्तेमाल करती आई है आज तक, और इस कैडर को किसी न किसी ढंग से जो है डिवाइड किया है। पहले जो हमारा जो क्लर्क साथी होता है वो दफ्तर में होता है, उसके असाइनमेंट्स को इस तरह रखा जाता है कि वो रात के 9 या 10 बजे तक भी फ्री नहीं होता है, उस ऑफिसर बैठे होते हैं, हाँ जी आप ये करके रखिए मैं आ रहा हूँ, वो आए नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन क्लर्क जो है उसको वेट करना है 10 बजे 11 बजे, जब बॉस का फोन आता है घर से फिर वो उठ पाता है। उसके साथ आपने सवाल किया कि जो ट्रेनिंग का सवाल किया, मैं मानता हूं वो जो SRO 272 है जो 19 अक्टूबर 2008 को गवर्नमेंट ने इशू किया, वो एक सरकार ने क्लर्क कैडर के लिए एक कैंसर की बीमारी को फैलाया है। हम ये मानते हैं कि वो एक ऐसी बीमारी है, वो SRO एक ऐसा वबाल जो है क्लर्कल कैडर के लिए पैदा हुआ है कि जहां भाई भी भाई के लिए लड़ने को तैयार हो जाता है, क्योंकि एक तरह से सरकार ने जो है ये कहा है कि फाउंडेशन कोर्स जो है प्रोबेशन कोर्स में प्रोबेशन पीरियड में 2 साल के अंदर जो है कराया जाए, दूसरी ओर से ये कहा जिसने प्रोबेशन कोर्स में 2 साल के अंदर जो है जो प्रोबेशन कोर्स किया उसको सीनियर असिस्टेंट जाने पे सेक्टर ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से उसको प्रोबेशन पीरियड में नहीं कराया जाता है, वो उसको 10 से 15 साल 5 साल वेट करना पड़ता है। अगर किसी को मौका मिला भी फाउंडेशन कोर्स में जब वो ट्रेनिंग करके आता है, जब वो सीनियर असिस्टेंट बन जाता है, जो उसका दूसरा भाई सीनियर असिस्टेंट होता है उसको वो मौका मिला नहीं होता है। जब DPC की बारी आती है पहले तो DPCयां होती नहीं है, साला साल अगर 5-5, 10-10 साल से DPCयां पेंडिंग पड़ी हुई है, अगर DPC आने की बारी भी होती है तो उसमें भी कोई ना कोई तजाद पैदा होता है, क्योंकि ये सरकार ये तजाद पैदा करने वाली सरकार है। क्लर्कों के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रही है सरकार? बाकी जितने भी पे एनोमलीज थी बाकी उन सबकी पे एनोमलीज को दूर कर दिया गया, आपके साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है? इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है, लेकिन हम तो यही मानते हैं, सरकार एक वक्त में सरकार तो ये मानती है कि हम तो यही सुनने में आता था, हम जब छोटे थे, जब हम तालिबे इल्म थे हुआ करते थे, हम ये सुनते थे पढ़ते थे किताबों में जो क्लर्क है वो बैकबोन है गवर्नमेंट की, रीढ़ की हड्डी इसको माना जाता था। अब ये समझ हमें हमारे समझ से बाहर है कि चूंकि सरकार के जितने भी असाइनमेंट्स आते हैं, अभी आपने देखा अभी असेंबली का पीरियड था, हमारे जो लोग थे वो रात को 11-11 बजे 2-2, 3-3 बजे भी, बल्कि कहीं लोग जो है दफ्तरों में ही सोए रहे नेक्स्ट दिन पे, क्योंकि जहां जो उनका घर का डिस्टेंस था वो इनको ये नहीं लगा कि अभी हमें घर जाने का कोई फायदा है, वो वहीं बैठे रहे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है क्लरिकल कैडर को जो है उनके साथ इंसाफ नहीं होता है। जैसे अभी आपने कहा, अभी फिगर्स की बात की आपने, 24 पॉइंट कुछ जो है सरकार खुद एक्सेप्ट करती है उस पे फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट टोटल है, उसके बावजूद जहां सरकार ने ये दावे किए थे कि इनको 1.5 लाख इनकी तादाद है, वो भी 20,391 जो है कुल स्टंट बताई जा रही है,
बार बार सरकार ने अभी हमारे फाइनेंस आने पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो है एस के आई सी सी कन्वेंशन में एक ऐलान किया था कि 9 जनवरी 2017 को हम ये जो है इसके ऑर्डर को ये इशू ऑर्डर करके इनके अनामलीज को दूर करेंगे। उसके बारहा जो है हाउस में भी उन्होंने कहा, आज की जो है बजट पेश हुआ उसमें भी ये जिक्र किया गया है कि हम जो है एनामलीज को इस फिफ्थ पे कमीशन से सेवंथ पे कमीशन से पहले पहले इसको वागुजार करेंगे। लेकिन बदकिस्मती का मकाम है अभी तक की जो है क्लर्क को सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं और आज भी आपने देखा फायर सर्विसेज, नो डाउट वो हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमें उससे दुख नहीं है, उनका हुआ, हम इससे नाराज नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर जो इलेक्ट्रॉनिकल अनामली है वो 1992 से अगर कहीं ना कहीं उसको स्पेशल रिवीजन बाकी कैडर को दिया जा रहा है, लेकिन इस कैडर के साथ जो है बार बार डिस्पैरिटी, बार बार जो है हमें ये बताइए कि जो सेक्रेटरीट के जो क्लर्क हैं और बाहर जो सेक्रेटरीट के बाहर जो है क्या उनमें तालमेल है? इसकी एक वजह है, तालमेल तो है, उसकी एक वजह है। अगर कहीं जगह पे नहीं भी हो, कोई इत्तेफाक नहीं करता हो, उसकी एक वजह है क्योंकि जो हमारा क्लर्क भाई सेक्रेटरीट में है उसका वहाँ जो प्रमोशनल एवेन्यू है वो 6 साल के अंदर 8 साल के अंदर हेड क्लर्क तक चला जाता है। जो हमारा बाहर जो है आउट ऑफ सेक्रेट है जब वो अपॉइंट होता है पहले तो उसको जो है ये कहते हैं एसआरओ 272 के तहत उसको प्रमोशन पीरियड में सेक्रेट ट्रेनिंग करनी है, लेकिन उसको बेचारे को 12 साल 15 साल नंबर ही नहीं आता है सेक्रेट ट्रेनिंग का, उसकी प्रमोशन कैसे होगी? और वो जो है मजबूर है उसको अनामली चलाना पड़ता है, उसको उन बाहर जो हमारा सेक्रेट में जो हमारा जो क्लर्क साथी है उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसकी जो प्रमोशनल एवेन्यू उसको मिल जाते हैं। हमारा जो साथी है कहीं ना कहीं नाराजगी है, जायज से नाराजगी इनकी लग रही है क्योंकि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, ये मानते भी हैं। उसकी वजह ये भी है कि खुद अगर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हसीब द्राबू कहते हैं कि इनकी एनोमलीज को दूर किया जाएगा, एनोमली शब्द का जब इस्तेमाल होता है तो खुद आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं एनोमलीज हुई। अगर आपकी डिमांड्स को नहीं माना जाता है तो कब तब आप क्या करेंगे? तब तो मजबूर है हम लोग कि हम रास्तों पे आ जाएंगे, दफ्तर बंद करेंगे, और क्या रास्ता है हमारे लिए? कहीं ना कहीं क्लेरिकल स्टाफ भी डिवाइडेड है, कुछ लोग सरकार के साथ चलते हैं, कुछ लोग एंटी गवर्नमेंट होते हैं, अलग अलग सी कार आती, क्यों नहीं आप यूनाइट क्यों नहीं हो जाते? यूनाइटेड तरीके पे तो हमने, आपने खुद ही कह दिया कि लखनपुर से लेकर लद्दाख तक तो हमने ये की है, मतलब तो इसमें यूनाइटेडनेस का नहीं है हमारी तो यूनाइटेड ही है। हम ये पता नहीं है गवर्नमेंट की एक चाल है जिस चाल के तहत वो हम लोगों को बांट देते हैं और हमें अपने हमारे जो असली मकासद है उन मकासद से हमें दूर रखते हैं। यानी ये गवर्नमेंट की चाल है, गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि एक बंद मुट्ठी की तरह आप रहें और गवर्नमेंट पर दबाव बने। बिल्कुल ऐसा ही शब्द मेरे ख्याल में हमारी इस कलर इस बरादरी को शायद मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्टर की नजर लगी कि उन्होंने वहां पे एसकेआईसीसी में कह दिया था कि मैं आज पहली बार देख रहा हूं कि ये ही एक डिपार्टमेंट है जो एक ही मुट्ठी, इनकी मुट्ठी एक ही है, एक ही झंडे के तहत ये काम कर रहे हैं। पता नहीं हमारे साथ मेरे ख्याल में वही भेदभाव हो रहा है। कहीं ना कहीं यूनिटी होनी चाहिए, ये मान भी रहे हैं यूनिटी है और सरकार पर यूनिटी के बावजूद भी कोई ऐसा दबाव नहीं बन पा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो सेक्रेटरीट के क्लर्क है वो अगर आपके साथ आ जाए तो मसला हल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा, ये छोटा सा मसला इतना बड़ा मसला तो है ही नहीं है, तो जब वो यूनाइट होंगे हम तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारण क्या है, सरकार क्यों नहीं मान रही है, सरकार की मंशा क्या है, क्या वजूहत आपको लगती है? सरकार की मंशा मुझे तो डिले टैक्टिक्स लग रही है उनकी कि इनको पीछे पीछे धकेलते जाओ, कोई बात नहीं जब होगा देखेंगे, लेकिन समझ नहीं आ रही। द्राबू साहब ने जैसे कि साहब ने बताया कि उन्होंने कश्मीर में बोला कि हाँ हम कर देंगे आपकी पे नॉमली दूर, फिर भी अभी तक नहीं कर रहे, ये समझ नहीं आ रहा उनका कि क्या पॉलिसी है। आपका डेलीगेशन क्या डॉक्टर हसीफ द्राबू से मिला, क्या आपका डेलीगेशन चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती से मिला, आपने डिटेल कन्वर्सेशन उनके साथ की? जी बिल्कुल की, द्राबू साहब से हम बड़ी बार मिले हैं, उन्होंने हमें बड़ी बार कहा कि हम बस हो जाएगा आपका मसला हल आज कल, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर नहीं इशू हुआ हमारे उस पे। तो कहीं ना कहीं जब फाइनेंस मिनिस्टर एश्योरेंस देते हैं, चीफ मिनिस्टर एश्योरेंस देते हैं और अपने एश्योरेंस पर वो खरे नहीं उतरते हैं तो ये क्लरिकल स्टाफ को, क्लरिकल कैडर्स को इस चीज का एहसास होता है। आपसे जानना चाहेंगे हाउस के अंदर जब प्रोसीडिंग चलती है और जो सेक्रेटरीट का स्टाफ है वो दिन रात काम करता है, आप भी काम करते हैं, सारे लोग काम करते हैं, क्लरिकल स्टाफ को काम करना पड़ता है, क्यूरीज आती है, क्वेरीज होती हैं, लेकिन उनको रिफ्रेशमेंट मिलती है, रिफ्रेशमेंट का भत्ता अलाउंस मिलता है, आपको नहीं मिलता है या आपका उतना नहीं होता है? सर एक्चुअली ऐसा है कि
आप जानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर स्टेट जो है ये टीटवाल से लेकर यहाँ सांबा तक है। बदकिस्मती का आलम यह है कि हम लोग कभी कभार 12 बजे रात के निकलते हैं और दूर दराज बाढ़ इलाकों पे भी ऑफिस खुले रखने पड़ते हैं। जैसे कि अभी एक साथी ने कहा कि हमें ऑफिसर का वेट करना पड़ता है, आए ना आए हमने बैठना ही बैठना होता है। असेंबली तब जाती है, असेंबली तब कामयाब होती है जब ग्राउंड लेवल से क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी रिफ्रेशमेंट हमें मिल नहीं रही है। कोई रिफ्रेशमेंट नहीं मिलते जबकि सेक्रेटरियट वाले मुलाजमीन को बाज़ाब्ता मिलती रहती है। इस बात का भी तो हमें दुख ही नहीं है, बल्कि ये भी गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि एक ऑर्डर हो जाए जो पूरे स्टेट को इसमें इन्वॉल्व कर दे कि हाँ भाई ऐसा करो और ये ड्यूज जो है इनको मिलने चाहिए। कहीं ना कहीं रिफ्रेशमेंट उसमें भी पक्षपात किया जा रहा है, आप अंदाजा लगाइए। जब सेशन चलता है, अभी इस बार की बात करते हैं, बजट सत्र 2018-19 चला, जितने भी दिन चला उन दिनों में कहीं ना कहीं अगर ये क्लरिकल स्टाफ है, सेक्रेटरियट के अंदर का क्लरिकल स्टाफ है, सेक्रेटरियट के अंदर के क्लरिकल स्टाफ को रिफ्रेशमेंट मिलती थी और उसको बढ़ा करके भत्ता दिया गया, लेकिन इनको ऐसी कोई भत्ता नहीं दिया जाता है। ये अनफॉर्चुनेट है। आपसे जानना चाहूंगा, कोई पुख्ता ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है आपके लिए, क्या वजूहत है कि ट्रांसफर पॉलिसी एक कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, आपके पास ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है? सर, बदकिस्मती ये है कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है स्टेट की वो सिर्फ क्लर्क मुल्क इम्प्लीमेंट होती है सर, बाकी कैडर पर नहीं होती है। मैं ये अब दावे के साथ कह सकता हूं कि जो टीचर साहिबान हमारे दफ्तरों में बैठे हैं या फील्ड स्टाफ हमारे दफ्तरों में बैठा है, जब ट्रांसफर होती है वो हमारी होती है, उनके लिए नहीं, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट कैडर से होती है, हम डिविजनल कैडर से होती है, हमें डिस्टर्ब किया जाता है। लिहाजा ये ट्रांसफर पॉलिसी है ये हर एक के लिए होनी चाहिए और कंप्रेहेंसिव होनी चाहिए सर, ताकि इससे जो है जो दफ्तरों में जो एक इज्म बन जाता है उस इज्म को हम खत्म करें, क्योंकि मैं उसका नाम नहीं देना चाहता हूं कि हम लोगों की खिदमत के लिए हैं, तो हमें नहीं चाहिए कि हम उस इज्म को बढ़ावा दें। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए, अपील करते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी को कंप्रेहेंसिव बनाए और इसका इम्पैक्ट रहे। सर, यूनिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले कहा, इधर भी बातचीत चली कि सेक्रेटरियट के इम्प्लाइज, सेक्रेटरियट के जो क्लेरिकल कैडर है और आप में जो तालमेल होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, वो कम है। सर, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कैरियर प्रोग्रेशन सर, कैरियर प्रोग्रेशन उनमें ज्यादा है, हम में कम है। क्योंकि जो सेक्रेटरियट का क्लर्क है सर, उसको जो प्रमोशन एवेन्यूज है, अगर हम गैजेट की बात करें सर, 10,067 लोग हैं उनके, तो उनकी जो प्रमोशन है 19 गैजेट में है 87 अंडर सेक्रेटरी है, जो उसकी परसेंटेज आती है 7.15 आती है सर। जो एसओज है वो 10,067 में 141 है, उसमें जो सर 14% आते हैं, जो हेड असिस्टेंट में जो 12% आते हैं सर। जब हम अपना देखते हैं तो यहाँ जो है हाल बेहाल है सर, 0.15 गैजेट सर, उसमें टोटल 30 एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है हमारी सर्विस के लिए, जिनकी तादाद 20,301 है, आप अंदाजा कर सकते हैं। और एसओ हमारे 20,301 आदमी के लिए 100 है टोटल, आप देख सकते हैं कि उसमें भी थोड़ा, इस वजह से जो एवेन्यूज है प्रमोशन एवेन्यूज वो अटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बाहर के लोग हैं उनमें से ताल में जरा कम है। क्योंकि जो कैडर प्रोग्रेशन का मसला है, हाँ अब हमने कैडर जो प्रोग्रेशन है गवर्नमेंट के सामने उठाया है, 2 नवंबर हम सीएम साहब से श्रीनगर में मिले, तो हमने उसे रिक्वेस्ट की जो हमें कैडर प्रोग्रेशन जो इंसेप्शन डेट से 1942 से लेकर टिल डेट नहीं हुआ है, कम से कम एक बार किया जाए, तो उस पर जो है वो एग्री हुई है। उन्होंने फिर डायरेक्शन दी है कि ये जो है इसका ऑर्डर निकाल लें, फिर जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने उस पर उन्होंने बाजाब्ता तौर एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग के जरिए जेडीयू कमिश्नर को ये डायरेक्शन दी कि आप वो स्टेप सजेस्ट कीजिए जिनके बुनियाद पर हम बाहर का जो क्लरिकल कैडर है उनके प्रमोशन एवेन्यूज को बढ़ाया जाए। तो मैं यकीन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसके लिए जल्द ही एक कमेटी बिठाई जाए ताकि वो देखे कि हमें कितनी जरूरत है, किस लेवल तक हमारी जो कैडर प्रोग्रेशन होनी चाहिए। एक आम आदमी आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक बाहर जो क्लर्क अपना करियर शुरू करता है, नौकरी शुरू करता है, क्या वो गस्टर्ड अफसर बन सकता है और कितने लोग बने हैं, और एक सेक्रेटरियट में जो शुरू करता है वो कितने लोग गस्टर्ड अफसर बनते हैं? सर, यही तो मैं कह रहा हूँ सर, जो सेक्रेटरियट में एक क्लर्क अपॉइंट होता है सर, वो कम से कम एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर हो जाता है, स्पेशल सेक्रेटरी की कुर्सी तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि जो प्रमोशन है 1987 है सर, 87 उनको कर रहे हैं, 10 और 7 को, हमें टोटल 30 है
30 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, तो उनको हाँ कहाँ से हम इसमें बराबरी कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते हैं सर। यही वजह है कि एक तो ट्रेनिंग है, जो आप अभी कह रहे थे सेक्रेटरी से ट्रेनिंग, वो सबसे बड़ी वजह है कि वो एक एम्बेरगो है हमारे में, क्योंकि पहले तो ये सीनियर के लिए जरूरी था कि सेक्रेटरी से पास करके वो हेड असिस्टेंट बने, जब तक ये पास ना करेगा तब तक वो हेड असिस्टेंट नहीं बनता था। लेकिन एसआरओ 272 ने तो और इसमें प्रॉब्लम कर दी कि आप जूनियर के लिए लाजमी कर दिया, लेकिन स्लॉट जो अवेलेबल कराए टोटल 240 सर। अगर हम तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इट टेक्स 84 ईयर सर, 84 साल लगेंगे हमें इस एम्बार्गो को खत्म करने में। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमने जो हमारे आपने बोला कि यूनाइट नहीं है, उसमें जो है एक सबसे बड़ी वजह है कि परसेप्शन के फुकदान है हमें, परसेप्शन नहीं है। हमने इस मुद्दे को उठाया सर गवर्नमेंट के सामने और गवर्नमेंट ने इसको माना कि हाँ ये वाकई मसला है। फिर जो है इम्पैक्ट के पास हमने अप्रोच किया, वहां एक डॉक्यूमेंट चला गया कि आप एक कंप्रेहेंसिव एक्शन प्लान दे दीजिए। फिर वहां से एक एक्शन प्लान आ गया, वो अंडर कंसिडरेशन है गवर्नमेंट के पास, और हमें उम्मीद है कि अब ये ट्रेनिंग का मामला जो है ये हल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है विनोद जी कि जो हमारे कैडर में लीडरन में परसेप्शन का फुकदान है, हम अपने जो प्रोजेक्शन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ आज हम पेनाम जी तक पीछे रहे कि लेकिन इस पेनाम जी की वजूहत क्या है, कहां से आई, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या है, सेंक्शन स्ट्रेंथ क्या है, वो नहीं जानते थे। इवन की कैडर प्रोग्रेशन क्या है, कि सेक्रेटरी और बाहर क्या है, इवन की एक मास्टर जो है सिर्फ एक प्रमोशन पाकर गैजेट में आ जाता है सर, एक जो पटवारी है सिर्फ एक प्रमोशन पाकर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बन जाता है सर, इसी तरह एक वीएलडब्ल्यू बीडीओ बन जाता है। लेकिन क्या वजह है कि एक क्लर्क अंडरसाइंड भी नहीं बनता? क्यों नहीं वो अंडरसाइंड का वर्ड जो एक्सरसाइज करता है? हम हमेशा यूएस फेथफुल ही रहते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए सर, हमें एक ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके बाद हमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन 35 वर्ड पर मिनट स्पीड, उसके बाद सर हमें सर ये जरूरी है कि वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में उसका डिप्लोमा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात सर पब्लिक सर्विस कमीशन को पास करना पड़ता है, जो है केस ऑफिसर को करना पड़ता है। लेकिन प्रमोशन यूनिट हमारे 98% लोग सर वो टोटल हेड ये जो है सर सीनियर असिस्टेंट के ग्रेड में रिटायर हो जाते हैं। सरासर हमारे लिए जुल्म है और ना इंसाफी है। आपने ठीक कहा, इनका ये कहना है कि इनके लिए जुल्म है, इनके साथ जुल्म हो रहा है, ये कब तक होता रहेगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बार बार सरकार के पास जा रहे हैं। अब कितना अल्टीमेटम आप टाइम कितना देते हैं सरकार को कि कितनी देर में आपकी मांग को पूरा करें, और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा? सरकार ने हमारे लिए जो वादे किए हैं, उन्होंने बोला है कि हम बिफोर 7th पे कमीशन तक आपका ये जो मसला है इसको हल करेंगे। इससे पहले भी हमने हड़तालें की है, लेकिन हम उस तरस पे नहीं गए, लेकिन आज ये फाइनल है, क्योंकि अगर ये हमारे हक में आज नहीं होगा तो फिर कभी नहीं। तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है कि हम अपने बाल बच्चों के समेत सड़क पर निकलेंगे, तब तक हम नहीं हटेंगे जब तक नहीं ये हमारा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। हम भी अपने बच्चों को बड़े स्कूल में डालना चाहते हैं, लेकिन एक ही वजह है कि हम नहीं डाल पाए, क्योंकि हमारी जो यूनिट है वो बहुत कम है। हम भी अपने बच्चों को प्राइवेट डॉक्टर के पास लेना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वहां 500 रुपए फीस भरना पड़ा, हमें रहना पड़ता है गवर्नमेंट अस्पताल के पास। जिस तरह बाकी लोग जाते हैं, हम भी कंपेयर कर सोसाइटी में रहते हैं, हम भी कंपेयर करना चाहते हैं दूसरों के साथ। वजह यही है कि हमारी जो तनख्वाहें हैं वो बहुत कम है, जिसके लिए हम पीछे 20 साल से लड़ रहे हैं। वो जो वादा हमारे साथ हुआ है, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्द अज जल्द बिफोर 7th पे कमीशन हमारे हक में इजरा करे। बस उसकी दिगर कि हमें कोई चारा नहीं कि हम सड़कों पर अपने बाल बच्चों के समेत आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, आपने देखा कहीं ना कहीं क्लरिकल कैडर्स की समस्याएं हैं, और हम भी सरकार से गुजारिश करते हैं कि इन समस्याओं को तुरंत और तत्काल प्रभाव से दूर किया जाए। जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, उन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन को देखते हुए जो इनके मुताबिक है वो इतनी ज्यादा नहीं लगती है, और कहीं ना कहीं अगर ये एजुकेशनल पाथ पर रहे तो सरकार का कामकाज प्रभावित होता ही रहेगा। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।